कृष्ण कहते हैं कि वैश्य की चार प्रकार की जीविका है, कृषि वाणिज्य गो रक्षा कुशीदन तुर जग उच्चते। हम लोगों की चार प्रकार की जीवित जीविका है, कृषि वाणिज्य गोरक्षा, खेती करना, व्यापार करना। व्यापार का मतलब है किसी वस्तु को यहां से दूसरी जगह ले जाना, बेचना, और वहां से फिर कोई वस्तु मंगाना, विनिमय करना, ये व्यापार है। और गोरक्षा, गायों की रक्षा करना, ये वैश्य का परम धर्म है। और कुशीदम, और चौथी जीविका है वृद्धि। वृद्धि का अर्थ है इंटरेस्ट लेना, सूद लेना, लेकिन ये बहुत अधम जीविका है। जब और जीविका न हो तब ये की जा सकती है, सूद लेना। किसी को एक रुपया दिए तो साल भर में उसको सवा रुपया लेना या डेढ़ रुपया लेना, बढ़ा करके लेना, ये सूद कहा जाता है, या इंटरेस्ट आज के युग में बड़ा प्रसिद्ध है। तो इंटरेस्ट खाना ये पाप ही है, लेकिन वैश्य के लिए चलता है। जब और जीविका न हो तो खा सकता है, परंतु ब्राह्मण को, क्षत्रिय को यह नहीं करना चाहिए। अब तो सारी दुनिया में सरकार ही इंटरेस्ट दे रही है और खा रही है, इसे बचना बड़ा कठिन है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब तीन वृत्ति से काम न चले, कृषि वाणिज्य गोरक्षा से, तो व्यक्ति सूद ले सकता है, लेकिन वो अधम वृत्ति है। वे कहते हैं बहुत पाप पूर्ण कमाई है। किसी गरीब को यदि आपने 100 रुपया दिया और एक महीने में उसी कमाई को, उसी पैसे को 105 या 110 लेते हैं, तो 10 रुपया आपका नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा, क्योंकि किसी गरीब को आपने दिया है तो आप 100 रुपया खा करके जीवित रहते हैं और वो बेचारा 125 खाएगा। गरीब है, अभाव में है, तो 125 रुपया खाएगा। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि ये सूद लेना अधम वृत्ति है। तो सब अंग्रेजी शब्द हो गया, इन्वेस्ट करना, इंटरेस्ट लेना, ये करना। अंग्रेजी शब्दों से पाप नहीं खत्म हो जाएगा, वो तो वैसे ही रहेगा। वस्तु का स्वरूप वही रह जाएगा, शब्द केवल बदल जाएगा। हम लोग हिंदी में मांस कहते हैं तो मांस खाना बड़ा बुरा माना जाता है, लेकिन मीट खाना बुरा नहीं माना जाता। उसी मांस को मीट कह देंगे तो अब
ठीक माना जाएगा। और अंडा को एग कह दीजिए तो कोई बात नहीं, हर्ज नहीं, एग चलेगा, अंडा नहीं चलेगा। ये मनोवृत्ति हो जाती है मनुष्यों की।